नमस्ते गुरु जी, नमस्ते संगत जी। सुरेश अंकल, ओवर टू यू। नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जी जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से गुरु परिवार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में सीमा सिंह आंटी अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं, हमारे धन भाग। आंटी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीमा आंटी, ओवर टू यू प्लीज। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी सीमा आंटी, जय गुरु जी। यू आर वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर योर सत्संग। एक मिनट, ओवर टू यू नंदिनी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड टू इनवाइट यू ऑल एंड सीमा आंटी टू दिस डिवाइन मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, शुक्राना गुरु जी का महाराज का मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म। मीन्स बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस सत्संग में लाइक जो भी सत्संग सुनाता है उसका कल्याण एंड जो सुनते हैं उसका भी कल्याण। तो अभी आज शुरू हुआ था एक बहुत सुंदर शब्द से आंटी, थीर कर बैसो हरजन प्यारे सदगुरु तुमरे काज सवारी। इतना सुंदर शब्द। संगत जी, सारे संगत जी, गुरु जी के प्यारे संगत जी, आप लोग धीर स्थिर होकर अभी बैठ जाइए, क्योंकि जब गुरु जी का हम लोग सत्संग सुनते हैं तो इट्स लाइक गुरु जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो बस मन लगा के बैठ जाइए गुरु को अपनी दिल में बिठाकर, क्योंकि हमारे गुरु जी हमारे सारे काम संवारते हैं, हमारे जो काम होते हैं सारे गुरु जी संवारते हैं। तो धीर धीर कर बैसो हरजन प्यारे सदगुरु हम तुमरे काज सवारे। तो इसी के साथ आंटी, आज लाइक आपको एक आपका हमें सत्संग शेयर करना है, डिवाइन जर्नी हम लोग सुनने के लिए रुके हैं। पर उससे पहले आंटी आपको एक गुरु जी का वचन है उसका व्याख्या करना है आंटी जी। तो आंटी, आंटी गुरु जी का वचन है, अपनी खुशहाली के लिए बर्थस्टोन कभी मत पहनो, कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तो तब क्या। तो आप जैसे भी हमें समझा सकते हैं आंटी, आपने जो समझा है, तो वी वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू आंटी। उसके बाद आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, हम सारे सब लोग रुक के हैं। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी ने बर्थ स्टोन पहनने से मना किया था। कहते थे कि कई बार बर्थ स्टोन पहनने से पुट्ठा असर होता है। गुरुजी ने हमें वहमों से निकाला है और हमें वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। स्टोन पहनना ये भी एक वहम है, तो हमें गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो हमें जरूर भोगना पड़ता है, लेकिन हमारे भाग्य के लिखे को केवल गुरु जी ही बदल सकते हैं। और वो उन पर पावर है, वो शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें वहमों से निकलकर गुरु जी पर विश्वास करना चाहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करने चाहती हूँ द मल्टी लिंगल ग्रुप का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म दिया। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सुरेश अंकल का, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में से जोड़ा। जय गुरु जी सुरेश अंकल। अब मैं थोड़ा सा द मल्टी लिंगन के बारे में बताना चाहती हूँ।
सात संगत जी ये ग्रुप है, इसका भाव है नॉन संगत को जोड़ना ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत गुरु जी के बारे में जान सके तथा अपनी भाषा में गुरु जी के बारे में पढ़ सके। और ये ग्रुप आज बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। गुरु जी की जो जीवनी है वो 27 भाषाओं में इस ग्रुप के थ्रू ट्रांसलेट की जा चुकी है, 14 विदेशी भाषाओं में, 13 भारतीय भाषाओं में। शिव पुराण रीडिंग 10 लैंग्वेज में पढ़ी जा रही है। गुरबानी शब्द व्याख्या 13 भाषाओं में हो रही है। लाइट ऑफ डिविनिटी मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी में ट्रांसलेट हो चुकी है। अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हम सभी गुरुजी से पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं और हमें नहीं पता कि हमारी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे वो खुद ही जोड़ते हैं। जब मैं बचपन में अपनी मम्मी जाती थी, जब गुरुजी ने मुझे फिजिकल फॉर्म से जोड़ा है 2015 में, जब मेरा मुझे डायग्नोस हुआ था कैंसर, तो मेरी भाभी है द्वारका में रहती हैं नान, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मेरी रिपोर्ट्स इतनी खराब, मतलब पूरी बॉडी में फैलता जा रहा था। पहले भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ और कीमो स्टार्ट हुई। एक सेशन मेरा कीमो का हो चुका था पर कोई रिपोर्ट्स बिल्कुल खराब पे खराब आ रही थी। भावना भाभी ने मेरे को कॉल करके बताया कि सीमा आंटी, आप सीमा दीदी, आप सारा कुछ अपने हाथ पैर मार चुकी हैं तो बताइए। मैंने कहा हाँ भाभी, अब तो बस पता नहीं जाने का ही है। अब डॉक्टरों ने भी जवाब भी दे रखा है। तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरे कहने पर आप द्वारका आओ, फिर मैं ना आपको गुरु जी के पास लेके चलूंगी। तो मैंने कहा ये जो मेरे इन लॉज हैं वो थोड़ा बीमारी हो गई और मुझे बच्चे भी नहीं हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं। तो मैंने उनको बोला वो लोग मुझे आने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ना बस गुरुजी से बोलो और वो कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे। बस गुरुजी को देखा नहीं था, बस सुना ही था। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी अब सब कुछ आपके हाथ में है, मैं आना चाहती हूँ, आप ही लेके आओगे। मैं कीमो के लिए एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरे को वहाँ पे कीमो का दूसरा सेशन मेरे को शुरू करना था, उसके उससे रिलेटेड मैं आई हुई थी एम्स में। तो वहाँ पे 3-4 दिन लगते थे बेड मिलने में। तो मेरे मेरे जो फादर इन लॉ थे वो मेरे साथ आए थे और उन्होंने वहाँ पे हम गए तो उन्होंने बोला कि अभी 2-3 दिन और लगेंगे, आपको कल भी आना पड़ेगा और हो सकता है परसों भी आना पड़े। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो यहीं पे रुक जाओ। तो गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी ने एक रास्ता बनाया और मैं भावना आंटी भाभी के घर जा पाई। वहां से मुझे गुरुजी के बारे में उन्होंने बताया, फिर सीमा आंटी हैं उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में और डिटेल में बताया, मुझे लोटा ब्लेस करके दिया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे सत्संग होगा 24 तारीख को, तो तुम वो सत्संग अटेंड करो। और बड़े मंदिर जाने के लिए उन्होंने मना किया कि आप बीमार हो, गुरुजी नहीं चाहते थे कि जो बीमार हैं वो बड़े मंदिर आए, परेशान हो, मैं उनको घर पर ही ब्लेस करता हूँ। मैंने कहा ठीक है आंटी, जैसा आप कहो। और उन्होंने मुझे लोटा ब्लेस करके ला के दिया। तो 24 जुलाई 2015 में मैं एक आंटी के घर सत्संग में गई। तब मैं बहुत बहुत नेगेटिव, मतलब इतना नेगेटिव कि मुझे देखते ही सामने वाला देख सकता था कि इतनी नेगेटिविटी थी और बात भी नहीं कर पाती थी। आज तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ, बातें कर लेती हूँ, पहले मतलब बहुत एकदम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। तो मैं वहाँ सत्संग में गई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ सजा हुआ था और वहाँ पे मैंने गुरु जी के दर्शन भी नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ थी। और मैं अंदर वाले रूम में जाके भावना भाभी ने मुझे बिठा दिया। तो हम वहाँ बैठे हुए थे तो तभी मैं बोलने लगी कि गुरुजी कोई नहीं चाहता कि मैं ठीक हूँ, सब ये चाहते हैं कि मुझे मैं मर जाऊं,
और मुझसे उन सबका पीछा छूट जाए। तो मैं ऐसे ही बस रो रही थी, आंसू आ रहे थे, तभी एकदम से शब्द चला कि जिसका साहिब दाता होए उसे मार सके ना कोई। उसके बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इतना रोई कि जैसे मुझे जवाब मिल रहे हैं। फिर मैंने वो शब्द चलता रहा, मैं बहुत देर तक ऐसे ही रोती रही। उसके बाद फिर मैंने कहा गुरु जी आपने मतलब आप साथ हो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मतलब मैं इतना अकेली हूँ फिर कोई भी मेरे साथ नहीं है। तभी तभी एक फिर से शब्द चला, पल पल तेरे साथ में रहता हूँ। मतलब वो दो शब्द जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और मैं रो के फिर मुझे एक लगा कि हाँ गुरु जी आप मेरे साथ हो। फिर वहां पे हमने सत्संग सुने, मैंने लंगर किया, उसके बाद फिर गुरु जी के दर्शन किए, उसके बाद फिर मैं हम घर पे आ गए। मेरी कीमो का सेशन स्टार्ट हो गया, मुझे कीमो फिर से दी गई और उसके बाद भी मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। डॉक्टर ने बताया कि मुझे लीवर में भी आ गया है। तो लास्ट कीमो थी, मैंने पेट स्कैन कराया, उसको देख के डॉक्टर मतलब मेरी तरफ देखते, रिक्त की तरफ देखते, और उन्होंने मतलब बोला कि आप बाद में आना आंटी, अभी आप डिस्चार्ज हो जाओ, बाद में आना। उस दिन मतलब सुन के फिर बड़ा मैं, मेरे इन लॉज की तरफ से भी कोई नहीं आया था मुझे लेने के लिए। तो मैंने भावना आंटी को कॉल किया, मैंने कहा भावना आंटी मैं आपके घर आ रही हूँ, मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी। तो जब मुझे कीमो लगती थी तो 3 से 4 दिन मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, और 2400 घंटे मतलब 3 दिन नॉनस्टॉप मुझे कीमो दी जाती थी। वो कैनुला लगा रहता था और एक एक ड्रॉप करके कीमो दी जाती थी, उसमें मेरी कंडीशन बहुत खराब हो जाती थी। मैं बस जब कैनुला लगता तो मैं गुरुजी का नाम लेके बोलती, गुरुजी बस आप आ जाओ और आप ही कीमो लगाओ, तो वो इजी हो जाता था, मुझे पता नहीं चलता था। फिर तो मैं घूमती फिरती और मतलब इंजॉय सा करती थी। लास्ट डे जब कीमो हुई, डॉक्टर ने जब बोल दिया तो मैंने भावना आंटी को कॉल किया, मैंने कहा मैं आपके पास आ रही हूँ और आज ना मुझे बड़ा अजीब अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, और आज ना बड़े मंदिर चलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ। मैं और मम्मी हम उनके घर गए द्वारका, फिर वहां से हमने बड़े मंदिर का जाने का प्लान किया। जब मैं मतलब कीमो करने के बाद, संगत जी आप समझ सकते हो कि इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि वॉमिटिंग होती है और कुछ भी फीवर हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं हम बड़े मंदिर की तरफ जा ही रहे थे तो मैं, मेरे को वॉमिटिंग फील हो रही थी। मैं बस गुरुजी से कह रही थी गुरुजी मैं बड़े मंदिर आ तो रही हूँ लेकिन पता नहीं वहां पे मुझे वॉमिटिंग हो गई। तो और भी जो संगत है वो भी मतलब उनको पता नहीं क्या फील होगा, मतलब आप बस संभाल लेना। जैसे जैसे मंदिर क्लोज होता जा रहा था तो मेरे को एक अंदर से अच्छी खुशी मिल रही थी। और हम बड़े मंदिर पहुंचे, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वहां हमने दर्शन किए। अपसेट थी तो गुरुजी, वहां जाके तो हम वैसे ही भूल जाते हैं कि हमें गुरुजी से कहना क्या है। और जैसे ही मैं पहुंची बस मैं रो रही थी, रोना शुरू, और बस तभी एकदम से शब्द चला, बिन बोल यहाँ सब कुछ जानता। वो शब्द सुन के बस आंसू आ रहे थे और बस यही, बस गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हो, दिल की कैसे क्या करना है आप देखो। फिर उसके बाद हम लंगर के लिए गए तो आप संगत जी, मैंने मतलब एक बार लंगर करते हैं उसमें गुरुजी ने मुझे 2 बार लंगर कराया और मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम घर आए, उसके बाद मैं तब पानीपत से आती थी, तो मैं घर आई तो दूसरे दिन भावना भाभी और भैया हैं वो मुझे मना करने लगे कि अभी तू मत जा, कुछ दिन रेस्ट करो, कीमो लगी है, कीमो में जाना अकेले ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, अब तो गुरुजी मेरे साथ हैं और अब गुरुजी ने अगर मेरे लिए रास्ता बनाया है तो वो लेके भी मुझे खुद ही जाएंगे। उन्होंने रास्ता दिखाया तो मुझे जाना तो है, चाहे अकेले मैं हूँ नहीं, गुरुजी मेरे साथ जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो मेरी मम्मी और भाई मुझे कश्मीरी गेट तक छोड़ने गए। वहां से बस हम, उससे पहले मैं एम्स भी, कुछ काम था एम्स गए, एम्स से कश्मीरी गेट, फिर वहां से मैं बस से पानीपत के लिए चल दी।
तो मैंने बस गुरुजी से बोला, गुरुजी आपको पता है जब मुझे कीमो होती है तो मेरी कंडीशन इतनी खराब होती है कि मैं एकदम फेंट सी हो जाती हूँ, मुझे दो तीन दिन बिल्कुल पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। खाने पीने का भी मैं पास ही रख लेती हूँ ताकि मुझे उठ के जाना ना पड़े, चक्कर आते हैं, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। बस गुरुजी से बोला जी आप सब साथ, मुझे नींद नहीं आए, बस आप ये देखना। वहां से मैं पानी पहुंच गई, पानी मतलब मुझे नींद नहीं आई, पानी पर पहुंच के मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि मैं पानी पर आ गई हूँ और मुझे यहाँ से बस स्टैंड से ले जाओ। तो उनको गुस्सा कि तुम ऐसे कैसे आ गई, तुम उधर ही नहीं रुक सकती थी, मतलब उनको तो पीछे छुड़ाना था। तो वो आए, मैं बस अपनी खुशी में थी कि गुरु जी से मिल के आई हूँ, गुरु जी हैं, और वो बोले जा रहे हैं जो भी है। और मैं घर पे आई, घर आते ही मैं अपना रूम में गई और मेरे को नींद सी आई और मैं थोड़ा सो गई। उसके बाद मुझे ना एकदम से ड्रीम में, जैसे आप गुरुजी आपको मैसेज देते हैं कि उन्होंने आए और दर्शन मुझे दिए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं एम्स में कुछ काम से गई थी वहीं पर गुरुजी ने दिखाया ड्रीम में, गुरुजी आ रहे हैं, ब्राउन चोला है उनका और उन्होंने साइड में एक थैला टाइप से कुछ लटकाया हुआ है और वो सामने से चले आ रहे हैं और मैं कह रही हूँ गुरुजी आप, तो कहते हैं कि हाँ मुझे तो आना ही था। तो फिर मैंने कहा गुरुजी आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आए हो, मेरे साथ हो आप? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो तेरे साथ ही हूँ। तो मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी जब आप मेरे साथ हो तो फिर मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है। संगत जी उसके बाद मेरी एक जर्नी शुरू हुई गुरु जी के साथ, और जो कहते हैं ना मिरेकल्स होते हैं। फिर मैं ऐसे ही गुरु जी का मंत्र जाप मुझे पता चला और मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी, उससे पहले मैं कृष्ण भगवान जी का मंत्र जाप करती थी, और भी कभी कोई कुछ बताता है, जब बीमारी आ जाती है तो कभी कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो आप सब कुछ करने लग जाते हो। फिर गुरुजी का मंत्र जाप भी मुझे मिला तो मैं कह रही थी गुरुजी अब एक मंत्र जाप और करना पड़ेगा, मैं तो इतना हौच पौच हो गई है, किसका करूं किसका नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर रात को ऐसे बोलती हुई पीछे, वो भी करती थी ये भी करती थी, पर सारे ऐसे ही हो जाते, मैं सबसे हो जाते थे। तो रात में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए येलो चोले में, एक रूम है, रूम में गुरुजी चेयर पे बैठे हुए हैं, पीछे विंडो है ऊपर की तरफ, वहां से एकदम रोशनी आ रही है गुरुजी के पीछे, और गुरुजी बांसुरी हाथ में लेके बजा रहे हैं, मतलब ऐसे मैं गुरुजी को देख रही हूँ। तो मेरी आंखें खुली, मैं मतलब रोने लग गई, मैंने कहा गुरुजी आप तो सारे भगवान ही आपने हैं, आप ही सब, आपने सब कुछ आप ही हो, तो मुझे इधर उधर भागने की जरूरत क्या है। उस दिन से संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप, बस गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करती। फिर उसके बाद मेरा एम्स में टेस्ट वगैरह शुरू हो गए और मैंने पैक्स स्कैन लेके, डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने मुझे सर्जन के पास भेजा, उन्होंने फिर मुझे बताया कि सीमा आपकी जो यूरिन ब्लेंडर है उसके पास एक सिस्ट है, और जो लीवर है लीवर में भी कैंसर आ चुका है, बहुत सारी सिस्ट हैं उसमें, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक और चीज हुई संगत जी, उस टाइम के जो मेरे स्टिचेस थे, जो ऑपरेट मुझे किया जा चुका था पहले, तो अंदर से मुझे एक छाला टाइप से बनता था और उसमें ब्लड उसमें आ जाता था और वो बहुत बड़ा हो जाता था, और उसके बाद मैं उठना मेरे लिए इतना मुश्किल होता था कि मैं बहुत झुक के चलती थी, तो इतना पेन होता था, मैं चल नहीं पाती थी बहुत ज्यादा, और मुझे कोलोस्टोमी बैग भी लगा हुआ है। एक छाला हुआ उसमें से वो हुआ, जब मैं उसको फोड़ देती थी हाथ से, फिर उसके बाद जो ब्लड फ्लो निकल जाता था तो मुझे रिलीफ मिलता था, वरना बहुत पेन होता था। उसके साथ मुझे उसी के ऊपर एक और बन गया, उसमें भी ब्लड आता, उसको भी फोड़ना पड़ता, तब मेरे को रिलीफ मिलता। उसके लिए मैं 2 महीने से एम्स का ट्रीटमेंट ले रही थी, मेडिसिन दे रहे थे डॉक्टर, आराम की चीजें बढ़ती जा रही थी।
डॉक्टर से बोला कि सर ये जो प्रॉब्लम है इसका इसका तो कुछ मतलब मेडिसिन वगैरह दे दीजिए, तो एक डॉक्टर थी वो मेरी काफी हेल्प करती थी मेडिसिन में, कोई भी प्रॉब्लम हॉस्पिटल बहुत हेल्प करती, उन्होंने बस सेंपथी दिखा के मतलब उनकी आंखें नम थी और उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा और मेरे को बोला कि बेटा ये जो प्रॉब्लम है ना आपको पूरी बॉडी में आ गई है, अब आप गुड़गांव जाके आप सर्जरी करा सकते हो, जो आपको यूरिन ब्लेंडर के पास सिस्ट है, तो आपको मतलब मुझे कोलोस्टल है, तो उन्होंने बोला आपको यूरिन के लिए भी आप, मैं मतलब शॉक के एक पहले से बैग है एक और लगा देंगे तो फिर लाइफ तो बेकार है बिल्कुल। तो बस मैं सुनती रही, मैंने कहा मैम जो ये प्रॉब्लम हो रही है ब्लड आ रहा है इसका कुछ कर सकते हैं? उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये अंदर से आपकी बीमारी ज्यादा से ज्यादा ऊपर ऐसे ही निकल निकल के आएगी और सिर्फ 3 महीने आपके पास टाइम है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बिल्कुल मतलब मना कर दिया, अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं मतलब बहुत उदास, मम्मी भी साथ में थी, भैया भी साथ में थे, तो अपने आप को संभाला, रोई नहीं, बट अंदर से तो एक बार बुरा लगता ही है कि ये क्या मतलब बुरा है, इतना बुरी कंडीशन हो जाएगी कि सारा कुछ मतलब आप इमेजिन कर सकते हो संगत जी कि कितनी बुरी कंडीशन में थी मैं उस टाइम। उसके बाद संगत जी मैं भावना आंटी भावना भाभी के घर द्वारका ही आई और मैंने उनको बताया कि भाभी ऐसे ऐसे कंडीशन है, तो वो भी रोने लग गई, मैं भी रोई और बाद बस मैं वहीं पे थी। तो मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी किसी और के घर हूँ, मतलब मुझे ये लगने लगा कि अब जाने का टाइम है, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं अभी किसी और के घर पे हूँ, अगर आप मुझे लेना ही चाहते हैं तो मैं अपने घर पहुँच जाऊँ उसके बाद ले लेना, बट किसी और के घर मुझे कुछ ना हो। तो उसके बाद दूसरे दिन किसी एक संगत है द्वारका में, उनके घर सत्संग था, वहाँ मुझे गुरुजी के बहुत बहुत मैसेज मिले थे, तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे सत्संग था और सत्संग में मैं गई तो वहाँ एक और संगत आई हुई थी, तो मैं उदास थी, सब सत्संग शेयर कर रहे थे, मैंने शेयर भी किया लेकिन मन उदास था, रो भी रही थी। तो वो अंकल मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि क्या हुआ सीमा बेटा? मैंने कहा कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ऐसे डॉक्टर ने ये बोला है। तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, गुरुजी ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है, आपको हल्दी लेनी है। मैंने कहा अंकल हल्दी? तो उन्होंने कहा हाँ आंटी हल्दी, और गुरुजी उन्होंने मुझे बताया कि आधा चम्मच हल्दी और एक से एक चुटकी काली मिर्च और एक चम्मच शहद उसको मिला के और आपको लेना है खाली पेट सुबह और रात में, सोने से पहले और सुबह खाली पेट। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, उन्होंने कहा ये गुरुजी की दवाई है और आप बड़े मंदिर जाके और इसको स्टार्ट करना। मैंने कहा ठीक है अंकल, जय गुरुजी। मैंने बस ये सोचा कि ये मुझे सत्संग में गुरुजी ने अपनी कोई मेडिसिन बताई है और बस मुझे वो लेनी है, मैं जाके बस हम वहां से सत्संग से आए, मैं मार्केट गए हम और ये हल्दी और ये सब कुछ लेके आई और मैंने दूसरे दिन से स्टार्ट की। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सुबह ली शाम को ली, जिस प्रॉब्लम के लिए मैं 2 महीने से एम्स की दवाइयां ले रही थी 2 टाइम मैंने हल्दी वो ली विश्वास करके, वो स्किन जो छाला हो रहा था ब्लड आता था वो ब्लड बंद हो गया, वो स्किन ऐसे हो गई जैसे वहां पे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं शॉक्ड के ऐसे करते और जो स्किन थी वो अपने आप ही वहां से हट गई और स्किन एकदम स्मूथ जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भावना भाभी को भी दिखाया, मैंने कहा ये मतलब आप मतलब विश्वास नहीं कर सकते। मैं रोने लगी, गुरुजी आप धन्य हो गुरुजी, मतलब जब हम बिल्कुल सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देते हैं तो वहां से आप संभालते हो और मिरेकल्स शुरू हो जाते हैं, आप अपने आप हमारी जीवन को चलाना शुरू कर देते हो। उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन का तो सोचा ही नहीं, फिर
यही सोचा बस गुरुजी ने ये मेरे को दवाई बताई है, मुझे यही लेनी है। एम्स का भी जाना आना यही था, तो मेरी एक बार फाइल खो गई, उन्होंने टेस्ट और भी लिखे थे। तो मैं ये, हमें जब गुरुजी की प्लानिंग होती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, और मैं बस भाग गई, फाइल नहीं मिली तो कैसे डॉक्टर से मिलूंगी, कैसे क्या होगा। फिर मैंने कहा गुरुजी प्लीज वो फाइल मिल जाए, वो एक बार मैं डॉक्टर को दिखा दूं, उसके बाद आप चाहते हो मैं नहीं जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी। फिर डॉक्टरों को जब वो फाइल मिल गई, डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था। उसके बाद भैया ने भी बोला मुझे, नहीं मैं गुरुजी को करना है, जैसे भी करेंगे वो करेंगे, मैं एक और यूरिन की पाइप लगा के ऐसे नहीं जी सकती, और जो होगा ठीक है, लेना है तो गुरुजी ले लेंगे, देना होगा लाइफ तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। संगत जी अब मैं हर दिन यही सोचती थी कि शायद मैं कल का दिन देखूंगी या नहीं, अभी मेरा जाना होगा, कुछ भी होता तो मैं यही सोचती मैं वो चीज होगा तो मैं देख पाऊंगी या नहीं, बस ये चलता था। बाकी बड़े मंदिर गुरुजी के सत्संग आना जाना शुरू हुआ, फिर वहां मैं बस लंगर करती और हल्दी, मेरा ये शुरू हो गया। धीरे धीरे मेरी बॉडी मुझे अच्छा फील होने लगा। अब जो चीज मैं वैसे खाती थी घर पे तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी या कोई और प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैं जब भी सत्संग में लंगर करती थी उसमें मैं अचार भी लेती थी, अचार प्रसाद होता था वो भी लेती थी, इमली की चटनी या कुछ भी जैसा हैवी होता था कुछ भी लेती, मुझे आसानी से डाइजेस्ट हो जाता था और मुझे अच्छा लगता था। मैं डेली लगातार कई कई सत्संग अटेंड करती, दिल्ली आती, बस वहां एम्स का तो बंद ही हो गया था ट्रीटमेंट, और बस अब तो गुरु जी के सत्संग जाना और बड़े मंदिर जाना यही रह गया था, और बस खुश रहती थी अपने आप में कि अब गुरु जी मिल गए, अब सब कुछ मिल गया। धीरे धीरे संगत मुझे कहने लगी कि आंटी आपको काफी टाइम हो गया है, एक बार आप टेस्ट करा के तो देख लो। मैंने कहा आंटी क्या करा जो है वो, बोले आप ठीक लगते एक बार देखो। मैंने कहा ठीक है आंटी, जैसे गुरु जी कराना होगा तो करा ही लेंगे। फिर एक दिन मैं हॉस्पिटल गई, तो करीब दो साल बाद मैं हॉस्पिटल गई, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और उनको बोला कि उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी और मुझे देखें और रिपोर्ट्स को देखें, तो बोले आप बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर, तो आपको कुछ भी नहीं हुआ है? मैंने कहा नहीं सर, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है पेट स्कैन करवा के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है सर, आप लिख दीजिए मैं करा लेती हूँ। मैंने पेट स्कैन की डेट ली, पेट स्कैन कराया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं है, बस पेट स्कैन करा के मैंने छोड़ दिया। रिपोर्ट्स भी लेने के लिए जाना था तो मैं यही सोच रही थी पता नहीं रिपोर्ट्स में आएगा क्या नहीं आएगा। फिर मैंने गुरुजी को छोड़ दिया, गुरुजी प्रॉब्लम तो है ही, जो होगा देखा जाएगा, आप तो हुई। तो मैं थोड़ा डिले करके गई एम्स में दिखाने के लिए। मैं उस दिन एम्स गई तो उस दिन मैं लेट गई, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी लेट हो गई, आप ना मेरा ना नंबर लगवा देना, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है एम्स में सुबह दिखाने के लिए तो जल्दी जाना पड़ता है, कि आपको मतलब 8 बजे तक अपॉइंटमेंट मिल जाए वरना वो दिन आपका होता है। तो मेरे को 8:30 ही बज गए थे हॉस्पिटल पहुंचे, तभी मेरे सारे मिले और बस एम्स पर टाइम निकल गया, तो मैंने कहा शायद आज दिखाई नहीं पाऊंगी। तो मैंने बस गुरुजी को एक बोला था, गुरुजी आप नंबर लगवा देना, रिपोर्ट्स मैं ले लूंगी। मैं उन्होंने बोला चल मैं लगवा देता हूँ तेरा नंबर। उन्होंने संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को ना फर्स्ट नंबर मिला, पहला अपॉइंटमेंट। और उसके बाद मैं उनके रूम में गई और मैंने उनको जो बाहर गेट पे बैठे रहते हैं उनको बोला भैया मैं ना अभी आ रही हूँ रिपोर्ट लेके, तब मेरा फर्स्ट नंबर है। तो बस मैं गई और अभी आई। अब मैं रिपोर्ट लेने गई तो वहां पे मेरी रिपोर्ट ही रेडी नहीं थी, क्योंकि मैंने बोला था गुरुजी रिपोर्ट मैं ले लूंगी, आप नंबर मेरा लगवा देना। तो अब रिपोर्ट बिल्कुल रेडी नहीं थी, मैंने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर कहने जो रिपोर्ट तैयार करते थे वो डॉक्टर बोले कि अभी तो आपकी रिपोर्ट रेडी नहीं है। संगत जी मैं वहां पे 2 घंटे खड़ी रही और उस दौरान गुरुजी बस मंत्र जाप कराते रहे और डॉक्टर अंदर रिपोर्ट बना रहे हैं, बार बार आके मुझे पूछ रहे थे कि आपकी पिछली रिपोर्ट में, मतलब
वो बना रहे हैं और मुझसे डिस्कस कर रहे हैं कि पिछली रिपोर्ट में क्या था। मैंने कहा सर ये मेरी प्रीवियस रिपोर्ट है, आप ये ले लो और आप मेरे को रिपोर्ट बना के दे दो। उन्होंने प्रीवियस रिपोर्ट ली, फिर भी वो बार बार आके मुझसे बाहर पूछ रहे थे और बस गुरुजी मेरे से मंत्र जाप कराए जा रहे थे। उसके बाद मैंने रिपोर्ट्स ली, देखा रिपोर्ट्स को, मैंने कहा पता नहीं इसमें क्या आया होगा। मैं उसको रिपोर्ट्स को लिया और मैं डॉक्टर के पास गई। मुझे 10:30 बजे डॉक्टर बैठे तो मुझे 1 बज गया रिपोर्ट लाते। डॉक्टर उठने वाले थे, मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला कि अरे आपका तो फर्स्ट नंबर था और आप इतना लेट आ रहे हो। मैंने कहा सर रिपोर्ट्स ही रेडी नहीं थी। मैंने उनको रिपोर्ट्स दी और पेशेंट सारे जा चुके थे, मैं ही थी। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स दी ली और पढ़ना शुरू किया। और प्रीवियस तो उनके पास सारा रिकॉर्ड था ही। उन्होंने जब रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू किया तो वो बोले ये पुरानी और वो वाली रिपोर्ट्स को बार बार चेक करने लगे तो बोले कि आप बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी सर। तो बोले कि क्या ले रही हो आप। मैंने कहा सर मैं हल्दी लेती हूँ। बोले हल्दी, हल्दी से क्या होता है। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट देख के बोला कि पता है बेटे आपके ऊपर ना परमात्मा मेहरबान है। मैंने एकदम से बोला हाँ जी सर मेरे ना गुरुजी मेरे साथ हैं। तो फिर उन्होंने बोला गुरुजी। मैंने कहा हाँ जी सर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा सर। बोले हाँ जी जो अब। मैंने कहा जो मेरे यूरिन ग्लैंडर के पास जो सिस्ट बनी हुई थी वो। बोले वो तो बिल्कुल डिसअपियर हो गई है, वहां पे कोई सिस्ट नहीं है। जय गुरु जी। और मैंने कहा सर लीवर में। बोले लीवर में भी पहले जो कंडीशन थी वो नहीं, वो मतलब ना के बराबर है। मतलब आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में कोई कैंसर नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। तो मैंने फिर बोला सर मेरे को ये कोलेस्ट्रॉल बैग है। तो उन्होंने बोला कि आप अभी और आगे 6-6 महीने में आप टेस्ट कराने, मतलब जहाँ डॉक्टर्स ने मुझे ये बोल दिया था कि आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता वहाँ डॉक्टर अब खुद कह रहे थे कि आप 6-6 महीने में अपना टेस्ट करा के हमें दिखाते रहिए, उसके बाद अगर हमें लगेगा तो हो सकता है हम देखेंगे बैग के बारे में भी, कोलेस्ट्रॉल बैग में हो सकता है हम कर भी दें। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जब गुरु जी ने इतना ठीक कर दिया है और आगे भी गुरु जी संभालेंगे तो मैं बहुत खुश। मैंने कहा वाह गुरु जी, मतलब आप समझ सकते गुरु जी, मतलब इतनी बड़ी खुशी मिली थी। मैं वहां से जल्दी जल्दी भावना भाभी के पास आई और मैंने उनको नहीं वहां, तब मैं फरीदाबाद आ गई थी। मैं फरीदाबाद आके मैंने अपने घर पे सबको बताया कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मुझे कैंसर नहीं है। तो सारे खुश हो गए और मतलब ये एक गुरु जी की बहुत बहुत बड़ी मेहर है कि जहाँ मैं ये सोचती थी मेरी लाइफ नहीं है वहाँ गुरु जी ने मुझे इतनी सुंदर लाइफ ब्लेस की, लाइफ में रंग भरे। बहुत कुछ हुआ, उतार चढ़ाव आए, लेकिन तकलीफें भी आई, लेकिन गुरु जी साथ थे तो वो चीजें हल्के में ही निकल गई। उसके बाद संगत जी एक बार उसके 2 साल बाद नहीं 1 साल बाद ही महाशिवरात्रि 2018 में महाशिवरात्रि थी। महाशिवरात्रि पे एक आंटी हैं, उनके घर द्वारका में सत्संग था जहाँ मुझे गुरुजी ने हल्दी वाली मेडिसिन बताई थी। तो उनके घर सत्संग में पता तो चल गया था उनके घर सत्संग है। तो मैं गुरुजी से, मतलब सब कहते थे हमारे लिए गुरुजी, हमने गुरुजी का सत्संग करवाया, हमारे लिए गुरुजी का सत्संग हुआ, किसी ने किसी के लिए सत्संग कराया। तो मैं कहती थी गुरुजी मेरे लिए कोई सत्संग नहीं करता। और पर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उस दिन उन आंटी को के घर पे सत्संग था तो वो, मैं जब उनके घर पे गई तो उन्होंने मुझे सॉरी संगत जी उस महाशिवरात्रि को सुबह 5 बजे मैं उस टाइम द्वारका आई थी। तो सुबह 5 बजे से पहले ही मुझे ड्रीम आया एक। उस ड्रीम में मैंने देखा कि एक नीचे जमीन की तरफ, नीचे की तरफ दरवाजा है और उसमें वो नरक का द्वार है। वहां पे एक कोई जेंट्स खड़ा हुआ है और वो मैं उससे कह रही हूँ कि मुझे ये देखना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप यहाँ से जाओ, ये आपके देखने के लिए नहीं है। मैं, और वो थोड़ा सा दरवाजा खुल रहा है तो उसमें से
ऐसे जैसे आग की लपटें होती हैं, रेड रेड सब कुछ ऐसा होता है, अजीब सा वो दिख रहा था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मुझे ये देखना है। तो उन्होंने मतलब एकदम जोर दे के कहा कि नहीं, ये आपके देखने के लिए भी मना है, मतलब आप, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। फिर मैं थोड़ा आगे चली और मैं, हम और भी संगत थी, भावना भाभी भी थी, और हम हंसते गाते झूमते नाचते हुए चलते जा रहे हैं। फिर थोड़ी दूर जाके एक बहुत बड़ा दरवाजा है। उन संगत जो नरक द्वार पर जो खड़े थे, उन्होंने ये भी बोला था कि आप यहाँ से जाइए और जो वो वहां जो दरवाजा है ना, आप वहां पे जाइए। तो फिर हम झूमते हुए हंसते गाते हुए डांस करते हुए जा रहे हैं मस्ती में, और एक बहुत बड़ा मतलब सीधा ऐसे खड़ा हुआ है, वाइट कलर का दरवाजा है, और वो खड़ा हुआ है वहां पे। एक आंटी खड़ी है और दरवाजा बंद है। मैं कहने लगी कि ये दरवाजा तो बंद है, आप क्या हम गुरुजी से मिल नहीं पाएंगे? तो वो आंटी बोलने लगी कि आंटी आप ना अभी, ये दरवाजा बंद है, आप आंटी वापस जाओ, अभी ना आपका टाइम नहीं आया है, उनका टाइम नहीं आया है, तो आप वापस जल्दी। उन्होंने ऐसे बोला और उनसे आ गई। तो मैंने कहा गुरुजी ये टाइम नहीं है, आप टाइम है, आप वापस। तो एक माया डाला कि शायद आज गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की है, यानी कि मेरा आज टाइम जाने का था पर गुरुजी ने आज लाइफ ब्लेस की है, इसीलिए वो दरवाजा अभी नहीं खुला है। अब उसके बाद हम जो सत्संग में जाना था उन आंटी के संग में गए, और वैसे नॉर्मली हम जब मैं, भावना भाभी मुझे स्कूटी से ही ले जाती हैं, तो उस दिन वो बोलने लगी कि आप ना गाड़ी से चले जाओ, और भी घर के मेंबर थे वो गाड़ी से ही गए थे, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं आपके साथ ही चलती हूँ। तो हम नॉर्मली हेलमेट मैं नहीं लगा के जाती, उन्होंने मुझे बोला कि आज ना आप हेलमेट लगा लो। मैंने कहा क्यों? बोली नहीं बस लगा लो। उन्होंने भी हेलमेट लगाया, मुझे भी दिया, मैंने भी लगा लिया। हम सत्संग में गए, सत्संग अटेंड किया। फिर वहां पे जब मैं सत्संग में गई तो उन आंटी ने मुझे बोला कि सीमा दीदी, आज ना गुरुजी ने ये सत्संग ना किसी संगत के लिए करवाया है, और उन्होंने मुझे बोला है कि जिस संगत के लिए उन्होंने ये सत्संग करवाया है ना, वो संगत खुद सत्संग शेयर करेगी। तो मैं जब जैसा मैं चाहती थी वैसे ही दरबार सजा हुआ था, वैसे ही फ्लावर थे, वैसे ही सब कुछ वैसे का वैसा था। तो मैंने उनको सीधा बोला कि भाभी पता है आपको, मैंने गुरुजी को बोला था और ये सत्संग गुरुजी ने मेरे लिए करवाया है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप सत्संग शेयर करना। और उस दिन मतलब गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, क्योंकि उस दिन शायद मेरी लाइफ का वो भी लास्ट डे था। तो हमने मैंने सत्संग उसमें शेयर किया, जो मुझे सुबह ड्रीम आया था मैंने उसमें ड्रीम अपना शेयर किया कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे दिखाया नरक द्वार, फिर वो स्वर्ग द्वार, जो हमारे गुरुजी का द्वार है वो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार है, और वो हमें खुलवाना है अपनी भक्ति से, अपने अच्छे कर्मों से हमें उस तरफ जाना है। गुरुजी ने हमारे लिए नरक के द्वार बंद ही कर दिए हैं, गुरुजी हमें उस द्वार, उस अपने धाम में ले जाना चाहते हैं। तो हमें उसके लिए अपनी सबके साथ अच्छा करते हुए, अपना कर्म अच्छे करते हुए चलते हुए जाना है। बाकी तो सब कुछ गुरुजी अपने आप ही करेंगे, क्योंकि बस उन्होंने दिखाया था। तो बस ये लगा कि गुरुजी अब कोई कर्म ऐसा ना बने कि ये द्वार मतलब खुले और इस द्वार के अंदर आप हमें लेके जाएं। मैंने बस सत्संग शेयर किया, सारा कुछ बताया कि आज मुझे गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ने उस दिन मुझसे भोग भी लगवाया, दर्शन दिए, गुरुजी ने साक्षात भोग लगाते हुए दिखाया कि उन्होंने चाय प्रसाद लिया। मैं मतलब इतनी खुश, बहुत 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 खुश, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, मतलब रो भी रही थी, हंस रही थी, वो खुशी बस आप बता नहीं सकते, फील कर सकते हो। उसके बाद हमने लंगर किया तो 1 बजे का टाइम था, और सारी, और हम जो घर के मेंबर थे वो तो चले गए थे। तो भावना भाभी मुझे बोली कि सीमा दीदी आप ना गाड़ी से चले जाओ, लेकिन मेरा लंगर कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि गुरुजी की अपनी ही प्लानिंग होती है, वो उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ करते हैं। मैं और भावना भाभी, फिर मैंने कहा भाभी मेरे
मेरा ना लंगर अभी रहता है तो आप और सबको जाने दो, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ठीक है, हम दोनों बाइक से चले संगत जी, बाइक से थोड़ा दूर ही गए थे। रोड जैसे हम सीधे जा रहे थे, पीछे से एक गाड़ी आई, मारुति सुजुकी थी, और उसने हमें पीछे से हिट किया। उस जो स्कूटी थी उसको पीछे से हिट किया, वो स्कूटी इतनी जोर से उछली कि वो डिवाइडर के दूसरी तरफ, मैं रोड के दूसरी तरफ और बीच में, और भावना भाभी भी पता नहीं कहाँ क्या हुआ। और जब हम गिरे तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने हाथों में उठा के एक बार आधा पोस्चर रखा, फिर सिर, जब सिर रखा तो ऐसे लगा जैसे हेलमेट जोर से लगाया है। और जब हम और भी एकदम से भीड़ हो गई, जब भीड़ आई तो उन्होंने देख उठाया हमें, तो जब हेलमेट टूट के दूसरी तरफ जाके पड़ा हुआ था, मतलब हेलमेट भी निकल गया था टूट के। तो भावना भाभी, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल में बैग लगा हुआ है, तो वो एकदम घबरा गई, उनको अपनी चोट का नहीं था, वो भागी भागी आई और उन्होंने मुझे देखा और मुझे देख के बोलने लगी कि आप ठीक हो, आपका बैग तो ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने जल्दी से अपना पेट ऐसे टच किया और देखा, तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मुझे एक खरोंचनी आई थी, एक ये लेफ्ट साइड पे पैर में थोड़ा सा चोट लगी थी, तो उठा नहीं जा रहा था। मैंने बस गुरुजी को बोला, गुरुजी मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट, और सारे पब्लिक थी वो इकट्ठे थे, लोग बोलने लगे कि हॉस्पिटल लेके चलो। बस मैंने बोला, गुरुजी क्या आपने तो हॉस्पिटल जाना बंद करा दिया था, अब क्या फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैंने ये बोला। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं एकदम से खड़ी हुई और मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। अपना सामान हमने उठाया और मैंने कहा हमें ना गुरु जी के सत्संग में वापस जाएंगे और मुझे मत्था टेक के आना। पहले हमें नई लाइफ है तो पहले हम गुरु जी के सत्संग में वापस से जाके मत्था टेक के आएंगे, फिर हम आगे जाएंगे घर पे। हम वापस गए गुरु जी के सत्संग में, हमने मत्था टेका, वहां से हम घर गए। और भैया भी डांटने लगे कि बाइक से स्कूटी से जाना ठीक नहीं है, और तो पर ठीक है, हम खुश भी थे कि गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस की है। और मैं हम कोई डॉक्टर के पास नहीं गए, भावना भाभी को भी चोटें आई, तो मेरा जो लेफ्ट साइड में जो पैर था उसमें मांस फट गया था, दो मैंने उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ली, संगत कल हमने तक बुलाया, अच्छी बात है, हल्दी ली थी। तो ली और मुझे उस चीज से मैं ठीक हुई संगत जी। मतलब इस तरह से गुरुजी ने एक नई लाइफ ब्लेस की, वो द्वार दिखाया, पर मतलब गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी कैसे क्या करते हैं हम सोच भी नहीं सकते। अभी रिसेंटली का भी एक सत्संग है, अभी होली से 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल की बात है, इसी ईयर में मैं अपने घर में सुबह काम कर रही थी और सुबह 8:30 बजे का नहीं, उससे पहले मुझे गुरुजी ने महाशिवरात्रि पे हम बड़े मंदिर गए थे, और वहाँ एक आंटी थी, वो मुझे कह रही थी कि मैंने पिकॉक देखा और गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। तो हम बड़े मंदिर जा ही रहे थे, तो मैंने कहा जो आंटी, जो संगत बड़े मंदिर जाती है वो ब्लेस ही है, जब गुरुजी के आप बड़े मंदिर पहुँच गए, गुरुजी के पास पहुँच गए तो आप ब्लेस हो। फिर भी मन में था कि गुरुजी आपने मुझे ब्लेस किया है ना, और महाशिवरात्रि के नेक्स्ट मॉर्निंग जिन्हें दर्शन दिए, और दर्शन में जैसे सांप ऐसे फन करके खड़ा है और धीरे धीरे वो निकल के जा रहा है, और मैं सारे घर में घूम के फिर एक चौखट है उसके अंदर चला गया। फिर उसके बाद मैं पहले तो पता नहीं क्या है, उसके बाद गुरुजी का स्वरूप दीवार पे लगा हुआ है। मैं मतलब वो पहले वाला सत्संग ऐसे हो गया, और भी चीजें थी गुरुजी ने,
तो उसके बाद फिर गुरुजी आए और गुरुजी अपने स्वरूप में से जैसे पानी की तरह ऐसे लहरें होती है ना, उसमें से ऐसे 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 करके गुरुजी बेड मतलब बेड के ऊपर बैठे हैं और फिर उसमें दिखाई देने शुरू हुए हैं और उनकी स्माइल, उनका फेस, उनका मतलब वो शाइनिंग, वो देख के बस मैं उनकी स्माइल को देखती जा रही हूँ और मैं ना बस खुश और मैं सब कुछ भूल गई, मैं गुरु जी को देखे जा रही हूँ और मैंने कहा गुरु जी आप तो गुरु जी मुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और फिर मैंने कहा गुरु जी मैंने तो आपके चरण भी नहीं मत्था भी नहीं टेका और उन्होंने अपने चरण ऐसे आगे किए और मैंने उनको मत्था टेका। फिर मेरे को बोलते हैं कि ठीक है अब ठीक है, मैंने कहा हाँ जी गुरु जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो बोले तो फिर ठीक है। और फिर ऐसे उन्होंने बातें करते रहे, थोड़ी देर बाद और भी संगत दिखी, फिर उनसे बातें की और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप ऐसे ही फिर ऐसे ही चले गए। फिर मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि गुरु जी ने आज दर्शन दिए हैं, मतलब महाशिवरात्रि पे गुरु जी ने ब्लेस किया है, मैं बहुत खुश हूँ उससे। पर वो सांप वाला वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता रहा और 1 अप्रैल को मैं सुबह अपना साफ सफाई कर रही थी तो घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वो पुराना घर था उसमें जो बाउंड्री होती है छत की बाउंड्री होती है वो ईंटों से बनी हुई थी, उसके आगे मार्बल से बड़ी बड़ी मतलब पहले के टाइम में बनाते थे तो वो बड़ी बड़ी स्लाइड सी वो बना देते थे। पता नहीं क्या हुआ मैं नीचे बैठी हुई थी, जब से मैं घूम रही थी उसके नीचे से पानी लेते जा रही थी सफाइयां कर, जब तक खड़ी थी तब तक कुछ भी नहीं हुआ, जैसे ही मैं बैठती हूँ सफाई कर रही थी, जैसे ही मैं बैठी झाड़ू लगा रही थी, पीछे से लगा जैसे कि कुछ आया है और मेरे सर पे यहाँ पीछे लगा कुछ और मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है। एक के बाद एक वो सर पे पैर मेरे पैर पे गिरा तो मेरे पैर की फिंगर है वो एकदम से कट गई और मुझे कुछ नहीं पता। तो वो 3-4 जो साइड उधर से ऊपर तो एक हट टाइप से मेरे ऊपर बन गया तो वो गुरुजी हैं, उन्होंने हैं जो वो लाइफ कोई देखना सब कुछ उनको काटना, उन्हें एक लाइफ से बना, मैं उसे ऐसे ऐसे करके बैठी थी, मुझे होश नहीं था पर मैं ऐसे बिल्कुल पैर फोल्ड बिल्कुल बहुत छोटी सी बन के बैठी थी और वो सबके नीचे दबी हुई थी। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, वो जो स्लाइड सी गिरी थी मेरे ऊपर 3-4 लोगों ने मेरे ऊपर से उठाई, वो इतना सारा मतलब इतनी बड़ी वो बाउंड्री मेरे ऊपर गिरी, सब कहने लगे कि अब ये नहीं बचेगी, वहां से उठाया। फिर उन्होंने और जल प्रसाद हुआ है उनकी बेटी है उसने जल्दी से जल प्रसाद मुंह में डाला और मुझे होश नहीं आ रहा था, सब उठा रहे थे, सर में मेरा सर फट गया था, पैर मेरा कट चुका था ऑन द स्पॉट, वहीं पे मेरा अंगूठा और 3 फिंगर मेरी वहीं पे कट चुकी थी और पूरी बॉडी पे मेरे मतलब इतनी चोटें आई हुई थी कि बाद में दर्द का एहसास हुआ। मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो वहाँ पे ब्लड वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं, पैर से ब्लड नहीं आया, सर भी फटा तो ज्यादा ब्लड वगैरह वहाँ पे नहीं आया, मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो मुझे एकदम से होश आया तो मैं कहने लगी कि मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रहा है, कुछ तो हुआ है। तो उन लोगों ने बोला कि कुछ नहीं हुआ और पैर मेरा ढक दिया। तो मैंने कहा नहीं कुछ तो हुआ है और मैंने कहा गुरु जी पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। उन्होंने बोला कि नहीं पैर को वो बार बार मतलब चादर डाली हुई थी उस चादर को हटाने नहीं दे रहे थे। तो मैंने एकदम झटके से मैंने अपनी चादर हटाई और मैंने देखा मेरा पैर मतलब आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे मेरा पैर ऐसे खुला हुआ था, मतलब कट के वो पूरा खुल चुका था, उसमें से ब्लड वगैरह कुछ नहीं, बस बहुत बुरी कंडीशन थी। और मैं देख के एकदम से रोने लगी, मैंने कहा हाय मेरा पैर कट गया अब क्या होगा। फिर मैं बेहोश हो गई, थोड़ा होश में आती जैसे मतलब मुझे हॉस्पिटल फरीदाबाद में ही हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम आ गई, मुझे जल्दी जल्दी लेके गए। फिर डॉक्टर्स ने आके मुझे फर्स्ट एड किया और उन्होंने बोला कि अभी आज तो सर्जरी नहीं हो सकती, सर्जरी हम कल करेंगे।
और मेरे भाभी हैं वो भी वहां से, उनको बताया तो वो भी वहां से आ रहे थे, उनको भी टाइम लग रहा था थोड़ा आने में, वहां से आने में टाइम लगता है, तब तक मुझे एडमिट करा दिया गया यहाँ पे। और मैं बस होश में आ रही थी और मैं ये देख रही थी कि डॉक्टर्स खड़े हैं, तो वो डॉक्टर्स को लगा कि पुलिस केस है, पुलिस को बुलाना है। और मैंने तो उन्होंने बोला कैसे आपको चोट लगा है, मैं सफाई ऊपर से बाउंड्री गिरी और उसके गिरने से मुझे चोटें लगी हैं। तो उन्होंने फिर मतलब मैं देख रही हूँ कैसे पैर को मैंने देखा, उन्होंने ऐसे ही दवाई डाली, डब्बे भर भर के डाल रहे हैं, सर में कर रहे हैं और दर्द हो रहा था, मुझे उठा नहीं जा रहा था, मतलब एक साइड से पैरों की तरफ से चादर में डाल रहे हैं, गोद में उठा उठा के डाल रहे हैं, फिर लेके जा रहे हैं इधर उधर। फिर उन्होंने पैसे दिए, फिर वो इतने में भैया और भाभी भी आ गए, तो मैं उनको देख के रोने लगी। मैंने कहा भाभी मेरा पैर कट गया, तो वो बोलने लगी कि कुछ नहीं होगा गुरुजी, है ना, हम ठीक हो जाएगा, जुड़वा देंगे, कोई बात नहीं, आपका पैर कट जाएगा। मैंने फिर मैं गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी मेरा पैर कट गया, ऐसा क्या हुआ कि मेरा पैर कट गया? तो फिर बस यही आया कि गुरुजी आप तो ना फीवर भी आता है ना, तो उसको भी बिना मेडिसिन के ठीक कर देते हो, तो ये पैर कटा है तो उसका मतलब जरूर कटना जरूरी होगा, तभी इतना बड़ा कष्ट आपने दिया है, अदरवाइज मुझे ये भी चोट नहीं लगती, आप ऐसे ही मुझे बचा सकते थे। तो बस गुरुजी पे छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि, मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो वो मेडिसिन वगैरह वो देते रहे। और फिर उन्होंने भाभी बोली ना मंत्र जाप करती रहो, तो मंत्र जाप तो चल ही रहा था और बस मैं मंत्र जाप करती रही। डॉक्टर्स बोले कि आपका दूसरे दिन सर्जरी होगी। डॉक्टर्स की टीम आई, डिस्कस कर रहे थे और वो आके एकदम से बोलने लगे कि आज तो ऑपरेशन नहीं है, कल होगा। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है इसका पैर भी काटना पड़े। मैंने ये सुन लिया था, मैं एकदम से मैं शॉक, मैंने कहा ये क्या होगा, मतलब पैर कटेगा। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी जितना कष्ट आपको मेरा काटना था, जितना पैर आपको मेरा काटना था, आपने उसी टाइम काट दिया। अब ये डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं इनको नहीं जानती, मैं तो बस आपको जानती हूँ। आप मुझे मतलब इतना लाचार ऐसा मत बना देना कि मुझे आपके सिवाय किसी और के सहारे की, किसी स्टिक की या किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़े कि मुझे उसका सहारा लेके चलना पड़े, तो ये सब बस आप देख लेना, या ना ऐसी लाइफ से क्या करना है। तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बोलने लगे कि ठीक है, भैया ने भी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला कि आज ही हम इसकी सर्जरी करते हैं। तो संगत जी 8:30 के करीब मुझे चोट लगी थी, उसी दिन 1 मुझे सर्जरी के लिए ले गए। और सर्जरी से पहले सब घबरा गए थे क्योंकि मेरे ब्लड नहीं निकल रहा था, ना पैर से ना सर से, तो सबको लगा कि कहीं कोमा में ना चली जाए, पागल ना हो जाए, या सर की चोट है ज्यादा गहरी है, तो सब घबरा गए थे। तो जैसे ही वो बोलने लगे कि ब्लड निकलना जरूरी है, जैसे ही उन्होंने बोला कि ब्लड निकलना जरूरी है और मेरे सर से ब्लड निकलना शुरू हुआ, और वो ब्लड तब तक निकला जब तक मेरी सर्जरी नहीं हुई, पैर से भी निकल रहा है, सर से भी निकल रहा है। तो मेरी 1 सर्जरी हुई, मुझे कोई ब्लड चढ़ाने की या कुछ ऐसी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि गुरुजी कर रहे थे सब। एक तरफ मेरी सर की सर्जरी हो रही है, एक तरफ मेरे पैर की सर्जरी हो रही है, और मैं देख रही हूँ वो मुझसे डॉक्टर बात भी कर रहे हैं कि अब हम आपको यहाँ पे इंजेक्शन देंगे, इससे आपको थोड़ा सा पेन होगा, फिर हम स्टिचेस लगाएंगे, मेरे कान में यहाँ पे भी फट गया था, तो मुझे ये मैं कह रही थी डॉक्टर्स मतलब स्टिचेस लगा दिए, सारी दोनों सर्जरी हो गई। उसके बाद उन्होंने मैंने बोला सर मुझे कान के पीछे बहुत पेन हो रहा है, तो उन्होंने बोला ब्लड सर में चोट लगी है तो उसकी वजह से ब्लड आ गया है, कान में से ब्लड आ रहा है। जब उन्होंने पीछे देखा तो कान भी पीछे से फटा हुआ था, फिर उन्होंने उसमें भी स्टिचेस लगाए। और मतलब डॉक्टर्स जब सर्जरी कर रहे थे तो बस मैं यही गुरुजी से था कि गुरुजी सब कुछ आपको ही देखना है, कैसे क्या करना है आपको ही करना है। बस मंत्र जाप गुरुजी करवाते रहे और मैं
देख भी रही हूँ, मैंने अपना पैर देखा, मुझे गुरुजी ने उसी टाइम, मैंने जब गुरुजी को बोला कि गुरुजी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़े, कुछ ऐसा ना हो, तो गुरुजी ने मुझे बस टेलीपैथी ने बस यही बताया कि तू वैसी चप्पलें नहीं पहन पाएगी जो अंगूठे से और वो वैसे पहनते हैं, स्लीपर या शूज पहन पाएगी। मैंने कहा गुरुजी अगर आपने ये कहा है तो इसका मतलब पैर तो नहीं कटेगा। फिर जब वो सर्जरी हुई तो डॉक्टर्स एकदम से, एक डॉक्टर पैर के मतलब आगे ही खड़े थे, वो हटा तो मैंने अपना पैर देख लिया था कि पैर ऊपर से फिंगर वगैरह स्टिचेस लगा दिए थे, लेकिन पैर उन्होंने जो कह रहे थे आधा काटना पड़ेगा वो नहीं कटा, स्टिच ड्रेसिंग हो गई, मुझे शिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद संगत जी मतलब इतना, इतनी चोटें आई, मेरे लेफ्ट पैर का भी मांस फट चुका था, उससे मुझे उठा नहीं जाता था, इतना पेन होता था, बस दवाइयां लेती और बस गुरुजी बहुत पेन हो रहा है। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपकी ना एक सर्जरी और करनी पड़ेगी, उसी दिन बोल दिया था, क्योंकि घाव बहुत गहरा है, उसको हील होने में टाइम लगेगा, उसकी वजह से हम 10 दिन के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको सर्जरी दोबारा होगी। तो बस अंदर से लग रहा था गुरुजी एक बार आपने ठीक कर दिया है, पैर हो गया, सर्जरी हो गई, अब सर्जरी ना हो। तो संजीत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी एक दिन सुबह के टाइम कोई 10 दिन, एक हफ्ते के बाद गुरुजी आते हैं, और सुबह का टाइम है, मैं सुबह उठी क्योंकि उस टाइम तो आंखें ऐसी खुल जाती हैं जब आप पूरा ही बेड रेस्ट पे होते हो। तो मैं सुबह उठ के मैंने गुरुजी का मंत्र जाप वगैरह किया और मैं वापस से लेट गई तो हल्की सी झपकी सी आ जाती है। तो गुरुजी को कुछ दिखाना होता है तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। तो गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी आए हैं और वो मेरे लिए चाय प्रसाद उन्होंने बना रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे लिए चाय प्रसाद बना रहे हो? तो गुरुजी आते हैं, चेयर पे बैठते हैं, मैं नीचे बैठी हूँ गुरुजी के पास और गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद दिया। मैंने चाय प्रसाद, मैंने कहा गुरुजी आप तो इतना गरम गरम चाय प्रसाद बना के डाल के लेके आए हो, और मैं उसको टच कर रही हूँ तो वो मुझे फील ही नहीं हो रहा कि वो इतना गरम है। मैंने वो चाय प्रसाद लिया और मैं उसको ऐसे जैसे सिप करके लिया, तो मैं जैसे हल्का सा एनेस्थिया दिया जाता है तो आप एक बेहोशी सी में हो जाते हो, उस टाइप से मुझे हुआ। और मैं फिर गुरुजी ने मेरे कमर के पीछे एक हाथ लगाया और एक हाथ में मेरे लेफ्ट हाथ में मेरे ग्लास था चाय का, और बाकी मैं ऐसी मतलब ऐसी हो गई कि गुरुजी ने मुझे पीछे हाथ लगा के संभाला और गुरुजी मेरे पता नहीं क्या नहीं रहे हैं, ब्लैक सा व्हाइट सा कुछ लिखा हुआ सा मेरे मुंह से निकलता जा रहा है खूब सारा। फिर उसके बाद गुरुजी ने मैं फिर उठी और मैंने वो चाय प्रसाद भी पूरा लिया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे पीठ पे जहाँ मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था वहां पे गुरुजी ने कहीं हाथ लगाया, कहीं ऐसे दबाया, फिर मुझे जो मेरा पैर कटा था मेरे को मैं मुझे खड़ा किया और उस पैर पे पैर रख के गुरुजी खड़े हो गए। मैं गुरुजी को बोली गुरुजी मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। मैं शॉक में कहा मेरे को इतनी सारी चोटें लगी हुई है, ये पैर इतना दर्द करता है, मैं चल नहीं पाती, इससे वॉशरूम तक नहीं जा पाती। तो उसकी मतलब उसने बिल्कुल, मैं मतलब सोच रही हूँ कि मुझे पेन नहीं हो रहा, मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी मेरे को ना बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। तो गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और फिर उसके बाद गुरुजी बैठ रहे हैं और मैं खड़ी होकर देख रही हूँ और मतलब घूम रही हूँ। फिर मैं गुरुजी के सामने डांस करने लग गई हूँ, मैंने कहा वाह गुरुजी मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई और मैं डांस कर रही हूँ। उसके बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने कहा कि गुरुजी आपने तो मेरा ऑपरेशन कर दिया, आपने मुझे ठीक कर दिया। तो जहाँ डॉक्टर बोल रहे थे कि दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी तो आप कर चुके हो, फिर हम गए, स्टिचेस उन्होंने निकाले मेरे। 15 दिन बाद डॉक्टर से पूछा भैया ने कि सर आप बोल रहे थे सर्जरी का, मतलब डॉक्टर्स को बिल्कुल याद नहीं है कि उन्होंने सर्जरी का बोला है। तो भैया ने डॉक्टर को बोला कि आप सर बोल रहे थे, तो बोले हाँ हाँ सर्जरी के लिए ना, मैंने कहा हाँ जी सर। तो भैया भी बोले हाँ जी, तो बोले कि नहीं नहीं सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा अच्छा हील हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन ना लो, ये ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय गुरु जी, मतलब हमारी तो सांस में सांस आई, वरना तो लग रहा था कि सर्जरी भी और प्लास्टिक सर्जरी भी करने का कह रहे थे। तो वो
उस दिन उसके बाद फिर लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद मुझे फरीदाबाद हॉस्पिटल में आना नहीं पड़ा क्योंकि भैया पलवल ही ले गए थे, तो मैं वहीं पे रह रही थी। फिर पलवल में घर पे ही मेरे को ड्रेसिंग वगैरह घर पे ही करा देते थे। पर पेन होता था संगत जी, तब रिलाइज किया, पता तो है ही कि मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति होती है, लेकिन जिस टाइम मुझे इतना दर्द होता था, बस मैं गुरुजी से ये कहती थी, गुरुजी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, क्या करूं। तो बस मंत्र जाप लगाती और मंत्र, चाहे मैं मेडिसिन नहीं लेती थी उस टाइम, और मंत्र जाप करती 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 मैं गहरी नींद में सो जाती थी और मुझे पता नहीं चलता था कि मुझे पेन भी हो रहा था। मतलब मैं आराम से सोती थी, कोई ऐसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। तो मैं यही कहती थी कि इतनी चोटें लगने के बाद पता नहीं कितना कितना दर्द होता, पर गुरुजी ने वो दर्द इतना इजीली निकाल दिया, वो दर्द का मुझे एहसास नहीं होने दिया जो होता है। धीरे धीरे वो पैर हील हुआ, उसमें और भी थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब पैर कटने के बाद संगत जी बहुत ज्यादा कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपका उसमें दोबारा से सर्जरी भी होती है और काटने की भी नौबत आ जाती है। लेकिन गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा है, उनकी इतनी मेहर है कि उन्होंने उस दिन स्टिचेस के बाद मुझे फरीदाबाद हॉस्पिटल में जाने ही नहीं दिया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। बस उन्होंने ऑपरेशन किया और मैंने विश्वास कर लिया, गुरु जी ऑपरेशन आपने किया है तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप सब कुछ अपने आप ठीक करोगे। बस हल्दी में कंटिन्यू, उन्होंने बीच में फिर रियलाइज कराया था मुझे हल्दी लेनी है, तो वो हल्दी मैं लेती रही। अब ठीक से मैं चल पाती हूँ थोड़ा, मतलब गुरु जी ने कृपा है कि मैं किसी स्टिक की या किसी और सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद से कर पाती हूँ, और बाहर भी जो भी मुझे थोड़ा बहुत लाना होता है आसपास से मैं ले आती हूँ। मतलब किसी के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, गुरु जी का सहारा ही इतना बड़ा है कि हमें गुरु जी के सिवाय किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। मतलब वो क्या कहें कि गुरु जी मतलब भगवान है, सब कुछ गुरु जी है, शब्द ही नहीं है गुरु जी आपका शुक्राना करने के लिए। शुक्राना 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 गुरु जी आपका कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबको ब्लेस करो गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, कृपा करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुरेश अंकल जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सीमा आंटी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी सीमा आंटी। सीमा आंटी आपका सत्संग इतना प्यारा सत्संग आपका, कोई शब्द नहीं है सच्ची, इतने भाव से आपने गुरुजी को सरेंडर किया और गुरुजी ने आपका हर पल हर क्षण हर घटना में गुरुजी ने आपका पूरा साथ दिया सच्ची। ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपने आप को गुरुजी के प्रति पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, और शक नाम की कोई कुछ भी नहीं होता हमारे पास। बहुत ही अच्छा लगा, गुरुजी हमेशा आपको ब्लेस रखें, हमेशा आपको ब्लेस रखें, और आपको अपने सब काम आपके अच्छे तरह होते रहें, और आपको कभी गुरुजी के अलावा किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। सच्ची गुरु परिवार आपका सहारा जरूर है, गुरु परिवार जो है उसका साथ रहे आपको, और गुरु जी का आशीर्वाद रहे बस। आपको सिर्फ गुरु परिवार का सहारा चाहिए और गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ओवर टू यू नंदिनी आंटी, ने सारे रास्ते बनाए अंकल। हां जी, थैंक यू। ओवर टू यू नंदिनी आंटी जी। शुक्राना गुरु जी, सच अ ब्यूटीफुल सत्संग, बहुत सुंदर सत्संग आंटी, बहुत सुंदर, मींस वेरी टचिंग। बहुत ही ब्लेस्ड हो आंटी, आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, बहुत प्यारा सत्संग। मीन्स कष्ट आई आपके, बहुत कष्ट आए,
पर गुरु जी ने आपका हर पल सहारा दिया, मीन्स लाइक सारा वो अभी हम लोग जो बात बोल रहे थे कि शब्द शुरू हुआ था, जब हम लोग सरेंडर करते हैं एक बार गुरु जी पर छोड़ देते हैं बस अपना जी, तो गुरु जी हमारा हमें संभाल लेते हैं, बस हमें अपना फेथ रखना है तो गुरु जी संभाल लेते हैं। और वही आपका सत्संग आज सुन रहे थे, हर पल गुरु जी ने संभाला आपको, तो सच अ ब्लेस्ड एंड टचिंग सत्संग। तो आंटी हमेशा हेल्दी मीन्स ब्लेस्ड रहिए, गुरु जी हमेशा हम सबका ख्याल रखे, बस हम यही चाहते हैं। और एक बात आंटी, हम सुन रहे थे आपका सत्संग तो मैंने देखा कि आपके जो आंसर्स आए, जो आपने पहले कनेक्ट हुई आप, तो आपने शब्द सुनकर आप कनेक्ट हुई, इनफैक्ट तीनों बार आपने शब्द सुना फिर गुरु जी से कनेक्ट किया इनिशियली, तो जी तो मैं सारे संगत को यही बताना चाहूंगी कि शब्द हम सब जानते हैं कि गुरुजी भी चाहते थे कि हम शब्द सुने, क्योंकि हमें शब्द से आंसर्स मिलते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स मिलते हैं। अभी जैसे आंटी का सत्संग सुना तो मीन्स हम सारे संगतों को आंसर्स मिलते हैं, इवन आंटी वाज वेरी इविडेंट कि उनको आंसर्स अलग अलग तरह से मिले जब उनको कोई सहारा नहीं था। आंटी मुझे तो शुक्राना जी, अभी शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म तो जी आंटी, आंटी मुझे पंजाबी नहीं आती है लेकिन गुरुजी कहते शब्द वाणी सुननी चाहिए चाहे समझ में आए या ना आए। आज मतलब आपको कुछ समझ में आती है, पहले तो बस सुनते थे वो बस दिल को छू जाती, जैसे अंदर आपके समा रही है वो फीलिंग अलग ही होती थी, और बस वही एक मेडिसिन है आपके लिए, आपको वो सुननी चाहिए। आपको कहते हैं ना नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती थी उस टाइम पे जब मेरे को कैंसर हुआ था, उसके बाद मैं रात भर जागती रहती थी, दिन में भी नींद नहीं आती थी, पूरा दिन पूरी रात। और जब मैं शब्द सुनती थी, गुरुजी का मंत्र जाप भी मैंने बाद में शुरू किया लेकिन शब्द मैं सुनती रहती थी, तो मैं कब सो जाती थी मुझे पता ही नहीं चला, मेरी नींद की प्रॉब्लम, मेरी लाइफ की हर प्रॉब्लम निकलती चली गई। आज कुछ भी प्रॉब्लम होती है गुरुजी आप हो ना, आप ये करोगे आप वो करोगे, उनसे बातें होती हैं, बस वही सब कुछ संभालते हैं। बिल्कुल आंटी बिल्कुल, सारे संगत भी आई थिंक कनेक्ट कर पा रहे हैं आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि जो शब्द हमें शक्ति देती है। मेरा बैकग्राउंड, मैं एसएमएस हूँ आंटी, तो असम से हूँ, तो शब्द लाइक हिंदी थोड़ा बहुत तो जानती हूँ, बट पंजाबी समझना वाज नॉट इजी फॉर मी। तो बट सुनते सुनते इतने मीन्स जो बोलते हैं गुरु जी, नहीं समझने भी से भी हमें सुनना चाहिए, तो वही हुआ कि सुनते जाते थे उसमें मीन्स घुसी गई, समझ में नहीं आता था, सुनते सुनते थोड़ा समझ में आता था। पर अभी मैं वही बोल रही थी आंटी, शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, सुरेश अंकल ने जो एक इनिशिएटिव लिया था, अभी शब्द की व्याख्या शुरू हो गई है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इतना सुंदर है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में शब्द की व्याख्या हो रही है। तो फर्स्ट वीक चला गया है, अभी सेकेंड वीक शुरू हो रहा है, तो सारे संगत जो है, संगत नॉन संगत सारे शब्द, एक तो है सुनने से हमें इतना लाभ मिलता है, यदि हम उसका अर्थ भी समझ ले तो इसका आनंद ही अलग है। तो आई थिंक एवरीवन शुड जॉइन, सबको सुनना चाहिए। जय गुरु जी नंदिनी आंटी, जय गुरु जी अंकल। नंदिनी आंटी मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीमा आंटी इस ग्रुप के साथ कल सुबह से ही जुड़ी है, और कल सुबह ही इनको हमने शब्द से संबंधित एक सेवा दे दी है ग्रुप की तरफ से। जितने भी शब्द आप लोग पढ़ रहे हो वो सब प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर और ग्रुप में सीमा आंटी ही पोस्ट करेंगी। सीमा आंटी को शब्दों से बहुत लगाव है, और जय गुरु जी, और सीमा आंटी को ही शब्दों की सेवा दी गई, इनको इनको शब्दों से ही गुरु जी ने कनेक्ट किया था। जय गुरु जी, जय गुरु जी, थैंक यू सुरेश अंकल। थैंक यू सीमा आंटी वंस अगेन। तो अभी हम लोग गुरु जी का शुक्राना करते हैं सब मिलकर। जी 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 आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी ओवर टू यू शुक्राना भजन के लिए। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा
शुकराना शुकराना तेरा शुकराना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना। शुकराना तेरा शुकराना शुकराना तेरा शुकराना। तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना। शुकराना तेरा शुकराना शुकराना तेरा शुकराना। शुकराना तेरा शुकराना शुकराना तेरा शुकराना। बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुँचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। शिवजी स
जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू संगत जी। अभी हम सब गुरु जी का आज्ञा लेंगे।